एक मैं यहाँ थोड़ी सी आपकी चाहूंगा कि शुड आई टू इट, ये जुमला इसलिए मत कहिए कि बहरहाल हम सब मुसलमान हैं। बिल्कुल, हमें से तफाक नहीं हो सकता कि दिस इज सॉर्ट ऑफ बिट्रेल अपेरेंटली, लेकिन शरई तौर पे, चूंकि ये शरई तौर पर चैलेंज होता है, तो मैं इसका एक हल अवेलेबल है। बिल्कुल सही बात। जब आपको मर्द कह रहा है कि मैंने दूसरी शादी करनी है, हाँ, तो उसको बोलिए ओके छोड़ मुझे और जा। बिल्कुल जानू में जा। तो दैट्स द राइट वे, इंस्टेड आप सारे मुसलमान होने का दावा करने के बाद इस बात को इस तरह कहें कि मुझे ये मतलब नाकाबले कबूल है। ये नाकाबले कबूल नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। अगर उसके पास एक मिनट में उसके पास ऑप्शन है ना, तो आपके पास भी ऑप्शन है, उसको कोई ओके जाइए जाइए दूसरा की तीसरा चौथा कर जाके मेरी जान छोड़। आपने बिल्कुल ठीक बात की और बहुत खूबसूरत बात की कि देखिए बहुत हम जब 100% अवाम देखते हैं ना, तो 50% होंगी जो इस बात को नहीं पसंद करती कि दूसरी शादी खावंद करें, हस्बैंड्स करें, लेकिन 50% वो अवाम भी है जिनकी शादी हुई भी है दूसरी और बहुत कामयाब है, एंड दे आर टेकिंग इट इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, बहुत आसान है। इनकी मौजूदगी में खुसूसन नायाब, चूंकि इससे मेरा सबका पड़ता रहा, और हालांकि मेरी कभी ख्वाहिश नहीं होती कि मैं मेरे हाँ की लड़की को फतह करने के लिए आऊँ। शी इज सो इंटेलिजेंट कि आई कुड कम्युनिकेट टू हर वेल। मैं सवाल एक पूछता हूँ, जी जी, ये मर्द जो दूसरी शादी करता है, करता किससे? खातून से, औरत से। व्हाई डोंट यू चैलेंज हर? हाँ, एक बात समझने की है ना, कोई लड़ाई दंगा तो है नहीं। ये दूसरी तीसरी चौथी जो शादी करता है वो, या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाता है, चलाता है, आई नो। औरत तो बहुत बड़ी है मर्द से इस हवाले से वफादारी और हयादारी में, लेकिन ये शादी वो करता किसके साथ है, उसको क्यों नहीं चैलेंज कर रहे? खुद भी एक औरत है। बिल्कुल सही बात की आपको, यू हैव टू लुक डाउन अपॉन दैट वुमन। आप क्यों किसी का घर बर्बाद करने के बाद भी औरत कहलाने की क्लेम करती है? सही बात, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। यहाँ पे जो मर्द हैं या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं या दूसरी शादी करते हैं, डिक्लेयर किए बगैर करते हैं, घर में बताए बगैर करते हैं, वो करते तो औरत से ही हैं, लेकिन उसका नॉलेज नहीं ना किसी को होता। अनलेस एंड अनटिल ये चीज़ एक्सपोज नहीं की गई, तब तक तो वो इसको सेफली इस गेम को खेलता रहेगा। अब अगर किसी औरत को पता हो कि उसका खावंद बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है या वो दूसरी शादी करने वाला, तो वो औरत बिल्कुल उस औरत को भी टारगेट करेगी और उससे जाके उससे एनकाउंटर भी करेगी, उससे सवाल भी करेगी कि तुमने ऐसी क्यों जसारत की मेरा घर बर्बाद करने की। ये बेसिकली दो तरह की खवातीन है यहाँ पे जो इस कल्चर को प्रमोट करती भी हैं और नहीं भी करती। लेकिन मेरा मर्द को अलाउ है दूसरी शादी और उसके कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस भी। उनका अपना उनका पॉइंट सुन ले। अच्छा, जो कुछ खवातीन है ना, जैसे सर ने कहा कि वो कह दें कि ठीक है आप अलाउड है, आप दूसरी शादी करें, लेकिन आप मुझे पहले फारिग कर दें। उनमें भी ऐसी खवातीन है जो लॉयल्टी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं और कहती हैं कि नहीं, मेरे साथ कमिटेड है तो मेरे साथ कमिटेड है, अनलेस अनटिल आई विल लीव हिम। दूसरी ऐसी खवातीन है जो कहती हैं कि ठीक है मेरा खर्चा पूरा कर रहा है, मुझे घर पे घर दिया हुआ है, मेरे बच्चों का खर्चा दे रहा है, मेरी जिम्मेदारी उठा रहा है, तो फिर ठीक है कर ले दूसरी शादी, और उसको वो मतलब उसका साथ भी देती हैं इस चीज़ में। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ऐसी औरत दुनिया में कोई भी नहीं होगी जो इजाजत भी दे दे और फिर भी दिल में एक ग्रज ना पाल के रखे कि मेरा खावन दूसरी औरत के साथ जो है वो एंगेज्ड है। ऐसी कोई औरत बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल सही है। अनलेस एंड अंटिल कोई बहुत ही मटेरियलिस्टिक किस्म की औरत हो। और आप बिलीव करें कि अभी एक रिसर्च मैंने देखी थी जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा मर्द हैं तकरीबन इसी के अराउंड जो 35 अबव हैं जो दूसरी शादी के इंतजार में हैं और वो चाहते हैं कि उनकी दूसरी शादी हो। अच्छा, और जैसे भी आप डिस्कस कर रही थी कि जिस तरह खलील साहब ने भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि शायद आप मतलब आप उसको छोड़ दें, हर औरत डिवोर्स की तरफ भी नहीं जा सकती है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपनी अपने राइट को बहाना बनाएंगी बेबसी का रूप धार के, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है, मर्द का कसूर नहीं है। जब आप 10, 20, 50, 100 यहाँ उठेंगी और उसको जवाब देंगी कि हाँ मियाँ तू कर दूसरी शादी, मैं कराती हूँ, मैं जा रही हूँ, तो
जब आप 100 के साथ ऐसा होता है तो 1000 को अकल आती है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल ये राइट, ये जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, तो फिर तो ये देखिए इशारा है दूसरी शादी की जाने। मैं आपको इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे यहाँ हमें इसके रीजंस को फाइंड आउट करना होगा। हम नॉर्मली देखते हैं क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसके ओरिजिन तक जाना है। मेरे यहाँ 80-90% बापों ने आज भी इन 2024 हम रहते हैं अर्बन एरियाज में और हम समझते हैं कि सारी दुनिया इसी तरह चल रही है। बिल्कुल, मेरे यहाँ बेटी की मर्जी नहीं पूछी जाती शादी के वक्त। बिल्कुल ऐसे ही 100% ये वो गुनाह है जिसकी वजह से हम मेरे यहाँ की बहुत सारी लड़की कॉम्प्रोमाइज करती है। हाँ। वो रह नहीं रही होती, वो रेप हो रही होती है। और ये जुमला इस्तेमाल करने के लिए कोई तैयार नहीं, मैं इसको करता हूँ। बिल्कुल सही। जब आप अपनी मर्जी से किसी लड़की को अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ योर डॉटर या अपनी सिस्टर आप ब्याहते हैं, तो आप उसको 50-55 साल के लिए रेप करने के लिए किसी के हवाले करते हैं। दैट इज द लीगलाइज्ड वे अवेलेबल टू यू। एग्जैक्टली। वो लड़की जो है उस वो जब यहाँ वहां से निकलती है तो फितरतन इतनी साबर कर दी जाती है कि वो ऐसे मर्दों को बर्दाश्त कर लेती है। बिल्कुल ऐसे ही है। रिजिडिटी आ जाती हाँ, है। और ये जिन औरतों का आप हवाला दे रहे हैं ऐसी हाँ, को डील कर, जैसे वो फरमा रही थी अभी कि मैं ठीक है खर्चा दे रहा है घर है, ये वो लड़कियां हैं। यस यू आर राइट कि ये वो हैं जो कॉम्प्रोमाइज करती हैं एंड दे लेट देयर हस्बैंड्स टू गो फॉर द सेकंड और थर्ड और फोर्थ मैरिज। लेकिन आप देखें कि हम जब यहाँ के कॉन्स एंड प्रोस की बात करते हैं, मैं फिर कहता हूँ जी सर, आप इसको इस तरह अब्यूज ना करो। उसकी रीजन क्या है, मेरे पास भी मैं अगर आप मैं आपके साथ खड़ा हूँ इस मामले में कि वाई बिट्रेल। लेकिन एक चीज हमारे यहाँ कुरान के लिए शरी इजाजत है, उसको इस तरह लेते हैं ना, साथ ही कुरान की ये इजाजत है। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई आप छोड़ दे इसको, औरत के पास ये राइट है, उसको यूज करना तो आए ना। फिर मैं यहाँ मौलवी कोई होते तो मैं उनसे बहस करता कि ये जो जुमला है हाँ मगर उनमें इंसाफ करो। अब ये जुमला इस कदर डिबेटेबल है कि एक 50 साल की बीवी को छोड़ के जब 18 साल की लड़की से शादी करता है तो वो दुनिया की कोई ताकत उससे इंसाफ नहीं करवा सकती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इम्पॉसिबल, बिल्कुल ठीक बात की आपने। तो ये यहाँ इसका मतलब है कि साथ ही इसके कदगन लग जाती है कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम तो बंदे का पुत्र बन के बैठ। बिल्कुल 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 ठीक बात की आपने। देखिए वो बहुत रेयर केसेस है, वी डू नॉट से कि दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, दूसरी शादी जरूर करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक सर्टेन सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई हो सकता है। चाहिए कि लव्स को भी मैं एग्री नहीं करता, दूसरी शादी हो सकती है, ये सही लव्स हो सकते हैं, बहुत चाहिए में तो परमिसिबिलिटी है, लोग रह रहे हैं, लोग दे आर हैप्पीली मैरिड। मेरी मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ जी, की जा सकती है जी सर, करनी चाहिए इज अनदर वर्ड, फिर तो सारी तुम्हारी बहस ही डिफ्यूज हो जाती है। यस यस यू आर राइट, यू आर राइट, बिल्कुल वाकई। मैं बात करना चाहूंगी डॉक्टर फरजीन मलिक से, आप इस हवाले से क्या कहते हैं, दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं? आई थिंक इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है और हर बंदे का केस डिफरेंट होता है। यस यस, सो वेरी इंडिविजुअलाइज्ड थिंग, कस्टमाइज्ड। हां एग्जैक्टली, क्योंकि इन द सेंस के हर घर की कहानी डिफरेंट होती है। कहीं पे औरत बेचारी होती है, कहीं पे मर्द बेचारा होता है, कहीं पे दोनों ही बेचारे होते हैं, दोनों ही अच्छे होते हैं लेकिन उनकी बन नहीं रही होती। बिल्कुल सही बात। और ऐसे मौके पे कई दफ़ा मर्द हजरात, चूँकि उन ख़वातीन के साथ बच्चे होते हैं, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं, उनके निकाह में होती हैं, तो वो ये चाहते हैं कि ये घर ख़त्म ना हो और ये बच्चे जो हैं ये बेशक के एक डिवाइडेड फादर इज़ बेटर देन नो फादर एट ऑल। यस, तो कई लोग इस तरह से फिर अपनी पसंद की शादी भी कर लेते हैं जिनके साथ आजकल कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी बहुत हैं। हमारे वालदेन के ज़माने में ये होता था कि जिससे दो की शादी होगी, मियां बीवी की अरेंज थी, कज़न से हो गई, फलाने से हो गई, दे हैड टू गो ऑन विद द मैरिज, वो निभा ज़रूर करना था, उसमें सब्र था, उसमें और बहुत सारी वैल्यूज थी, उसमें ख़वातीन डिफरेंट थी, उसमें मर्द हज़रात थोड़े डिफरेंट थे, वो तो जनरेशन ही डिफरेंट थी, माइंडसेट डिफरेंट था। एग्जैक्टली, डिजिटलाइज्ड एरा है, बिल्कुल, सो दैट एवरीथिंग हैज चेंज्ड। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। सो दैट जॉनरा इज कंप्लीटली डिफरेंट, तो वो मैं तो कहती हूँ कि वो अच्छा जॉनरा था एक्चुअली, टू टेल यू एक्चुअली, क्योंकि आज का इंसान जो है वो डिसकंटेंटेड है, आज का इंसान डिससैटिस्फाइड है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है जस्ट टू नो कीप योर लाइफ गोइंग ऑन। एक्चुअली अभी रिसेंटली हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो इकरारुल हसन की है कि उन्होंने काफ़ी शादियाँ की, और मैं देख रही थी
कि पहलाज उनका बेटा है जिसको हमने स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा देखा है, उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये कहा है कि मैं अपनी माँ से ज़्यादा अटैच्ड हूँ, मेरा वक्त अपनी माँ से ज़्यादा गुजरा है। तो एक डिवाइडेड फादर फिर वो ये नहीं कह सकता कि मेरी औलाद मुझे उसी तरह मोहब्बत करे जैसे वो माँ से करती, बिकॉज यू आर डिवाइडेड, यू आर नॉट गिविंग द एग्जैक्ट टाइम टू योर चिल्ड्रन एंड दैट। अच्छा, ये चीज़ जो है ना एक बच्चों के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है, वालिद के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है। जब वो बच्चे वालदैन बनेंगे और वालिद खुद बनेगा बालाज, तो फिर वो सोचेगा कि फिर वाकई मेरा बाप कहीं पे सही भी था। यस, सो ये चीजें जो है ना ये विद ग्रोइंग एज आती हैं, बेटर देन नथिंग, डिवाइडेड इज स्टिल एग्जैक्टली बेटर के। सो इट्स नॉट लाइक ही इज टेकिंग अवे पेरेंटल थिंग्स फ्रॉम हिम, जो वाइफ की है राइट्स वहाँ पे वो सेवर हो रहे, बच्चों के राइट्स उस तरह से उसकी एजुकेशन, जो बाप का एक फ़र्ज़ है कि नान नफका उठाए बच्चों का और उसका ख्याल रखे, दैट इज़ बीइंग डन विद। और वैसे भी नॉर्मल हाउस होल्ड में भी जहाँ पे मियाँ बीवी होते हैं वहाँ पे बच्चे अमूमन अम्मियों से ही करीब होते हैं। आप याद करें और अभी भी यूं ही होता है कि घर जाओ तो सबसे पहले हम आवाज़ देते हैं अम्मी, चाहे अम्मी घर में है या नहीं, हम अम्मी को ही बुलाते हैं। नेचुरल फैक्ट है कि बच्चे माँ के ज़्यादा क्लोज होते हैं। करेक्ट, नेचुरल फैक्ट है।